हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैंने की है कोई आधी रात से। यहाँ पर 1:30 बजा था, मैं देख रही थी असल में एक सीरियल, तो वो देखते देखते ना मुझे अचानक से चाय की क्रेविंग्स होने लग गई। तो बस मैं फिर से बाहर आ गई, लाइटें शाइटें मैंने चला ली हैं और चाय बनने के लिए रख दी है। और उस वक्त गैस तो होता नहीं है, तो मैंने सिलेंडर उठा के किचन में रख दिया है ताकि मैं चाय बना सकूँ। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने एक बेटे के लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना दी, क्योंकि मैंने सोचा मैं पीऊँगी तो शायद उनका भी मूड हो जाए। तो बस जी यहाँ पर चाय बन रही थी हमारी। तो उसके बाद जब मैं सोने लगी तो मैंने अपना लिया सीरम, और इसको मैं रोज़ाना रात को अप्लाई करके सोती हूँ, इसके 2-3 ड्रॉप्स। ये सीरम बहुत ही कमाल का है, इसका नाम एक्टिन है और ये ऑयली स्किन के लिए है, और ऊपर से ये आपके जो स्किन पे पोर्स होते हैं उनको भी श्रिंक करता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। इसकी प्राइस 2000 तक की थी लेकिन अब ये हो गया है ख़त्म, तो मैंने इसकी जगह पे ना एक दूसरा वाला सीरम मंगवा लिया है, उसका भी मैं जल्दी आपको बताऊंगी और यूज़ करके उसका भी रिव्यू करूंगी। तो जी फिर मैं बस सो गई थी। और ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, यहाँ पर मैंने खाना बनाया था लेकिन वो खाना बच्चों ने कहा कि हमने नहीं खाना है, हमने खाने हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसकी एक क्विक सी रेसिपी दे दूँ। यहाँ पर मैंने आलू कट कर दिए थे फ्रेंच फ्राइज़ की शक्ल में, और उसमें मैंने ऐड कर दिए थे 2-3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, साथ में चिली फ्लेक्स, साथ में नमक। ठीक है जी, बस यही किया था मैंने। और इसको अच्छे से मिक्स करना है अपने, अभी किसने ये नहीं बोलना कि ग्लव्स पहने। मेरे किचन में हैंड वॉश अवेलेबल है, मैं बार बार अपने हैंड वॉश करती रहती हूँ, मतलब एक आदत सी हो गई है कि बार बार हमने हैंड वॉश करना है। तो जी मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ थे, अभी मैंने इनको अपने हाथों से मिक्स कर दिया है। अभी क्या करूँगी कि इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, मतलब तब तक हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। तो बस जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने बनाए थे बे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप मुझे ऐसे बे बनाकर दिखाएं जो हम शादियों में खाते हैं। तो उसकी रेसिपी तो पहले से ही मेरे चैनल पे है लेकिन मेरे हस्बैंड भूल गए थे ज़रा कि उन्होंने खाए बे। तो बस फिर क्या, मैंने सोचा कि मैं उनको फिर से बना के खिला देती हूँ, और उनके बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये दिखने में भी कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। इसकी ग्रेवी वगैरह आप चेक करें, इसका आप ओवरऑल लुक सारा चेक करें। तो जी इसकी रेसिपी पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस तरह बहुत ही मज़ेदार ये शादियों वाले बेह जो बनते हैं ना देगों में, घर में बना सकते हैं आप। तो खैर यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, और दूसरी साइड से मैंने जो है ना क्या किया कि बस उठा के ये चिप्स ना ऑयल में डाल दी, और मैंने एक साथ सारी नहीं डाली थी, थोड़ी थोड़ी करके आपने फ्राई करनी है। या तो आपने बहुत ही बड़ा पैन लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल डालना है और फिर इस सारी को आप डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया था ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि इसको एक प्रॉपर जगह चाहिए होती है ना अच्छे से फ्राई होने के लिए। और ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो गई थी और बहुत ही मज़े की। अच्छा आप कटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने किसी कटर से नहीं काटा, मैंने खुद से ही इसको काटा था, तो बस जैसे समझ आया कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मतलब हम खाना बना रही हैं ना हम ख़वातीन, तो ये ही बड़ी बात है, क्योंकि किचन में पैर रखने का दिल ही नहीं कर रहा होता, तो फिर भी करना तो है। तो बस यहाँ पर बच्चे हो गए थे खुश, उनको मैंने अच्छे से प्लेटें भर कर दे दी थी ताकि उनका पेट भर जाए। अनहेल्दी है लेकिन कभी कभी चलता है। और साथ में मैंने पका ली थी रोटियाँ अपने लिए, मतलब अपने सबके लिए जो जो खाएंगे वो वेजिटेबल जो मैंने बनाई है। उसके बाद मैंने किचन को कर लिया था क्लीन और मैं चली थी जी अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब किचन में काम करते ना बस हालत हो जाती है। और उसके बाद मैंने बना ली अपने लिए ये CAC, इसको आप लाजमन पिया करें। वैसे मैं खुद लाजमन नहीं पीती, मैं इसके बजाय कभी लस्सी पी लेती हूँ कभी क्या, मतलब मैं भूल जाती हूँ। अच्छा उसके बाद मैंने खाना शाना खा लिया था, बच्चों ने भी अपनी फ्राइज पूरी कर ली थी, और उसके बाद हमने खाया था ये फ्रूट। और मैं आपको यहाँ पे दिखा कि कितने क्यूट एप्पल है ना, इनका टेस्ट भी बहुत बहुत मज़े का था और बहुत सॉफ्ट से बहुत अच्छे थे। और यहाँ जी मैंने ग्रॉसरी मंगवा ली थी और उसको मैंने अभी प्रॉपर जो है ना डब्बों में बंद करके रखना था, तो ये काम मैं कर रही हूँ तकरीबन रात के 12 बजे, क्योंकि पूरा दिन मेरी हिम्मत नहीं हो सकी, बहुत गर्मी थी। यहाँ मैंने बिरयानी मसाले के पैकेट बहुत ज़्यादा मंगवा लिए हैं, एक मैंने ये चिकन मसाला मंगवा लिया है, और साथ में अभी मैं जो है ना दालें शाले इसमें डाल के रखूँगी। पुरानी दाल मैंने पहले निकाल ली, नई को ऐड किया, फिर पुरानी ऊपर से डाल दी ताकि वो ज़्यादा पुरानी ना हो जाए, मतलब वो पहले यूज़ हो जाए। और उसके बाद डब्बे शब्बे अंदर से बिल्कुल साफ़ थे, मैं इनको वक्तन बवक्तन धोती रहती हूँ, वॉश करती रहती हूँ। तो बस मैंने ऊपर से लिड ही सिर्फ साफ़ कर दिए थे अपने बनाए हुए स्प्रे से, और साथ में अभी बेसन भी मैंने डाल दिया है उसमें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नमक, और नमक मैं इस टैंक वाले डब्बे में रखती हूँ, ये बहुत मज़बूत डब्बा है। और क्योंकि मेरे पास ऐसे 3-4 डब्बे मौजूद हैं, बच्चे टैंक बहुत पीते थे। और ये है माश दाल, तो ये माश दाल और मैदा है इसमें, फ्लोर है, तो ये दोनों चीज़ें ना मैं फ्रिज में रखती हूँ, पता नहीं क्यों ये बाहर मुझे लगता है कि सही नहीं रहती या इसमें घुन वगैरह लगने का ख़तरा होता है, तो इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में।
और यहाँ बस जी अब मैं क्या डालने लगी हूँ, हाँ ये है मिंट टॉफ़ीज़, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मतलब खाने के बाद वो लाजमन इसको खाते रहते हैं, तो ये भी मैं लाजमन मंगवाती हूँ। और अभी मैं डालने लगी थी तो मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा था और देख रहा था, उसे अभी से ही क्रेविंग होने लगी है तो उसने कहा कि आप एक मुझे दे दें, तो मैंने उसे उसी वक्त दे दी है एग खाने के लिए। ये बच्चों को बहुत पसंद है, मीठी होती हैं बहुत। तो बस जी यही काम कर रही थी मैं सारा दिन, तो मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा कि मैं ये काम करूं। और बाद में मैंने इसमें चीनी भी डाल दी और चीनी मैंने एज़ इट इज़ शॉपर के साथ डाल दी है, क्योंकि चूटियाँ वगैरह लग जाती है ना, गर्मी है और किचन में ही पड़ा रहता है ये, तो क्या किया मैंने कि शॉपर के समेत ही मैं इसको डाल देती हूँ और ऊपर से लिड लगा लेती हूँ। तो इस तरह चीनी पिघल के आपका बॉक्स भी ख़राब नहीं करती और चूटियों का भी कोई ख़तरा नहीं होता। अच्छा, पिघलने से ये मुराद है कि वो थोड़ी सी सौगी सौगी हो जाती है ना, उस वजह से बोल रही हूँ। तो फाइनली मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था, सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पर रख दी थी और अब मैं किचन काउंटर जो है ना उसको क्लीन करने लगी हूँ, क्योंकि इतना मैस फैल गया था, हल्दी मुझसे थोड़ी सी गिर गई थी ना, तो इस वजह से अभी मैंने सफाई कर ली है सारी, सारा साफ़ सुथरा करके फिर हम सोएंगे, क्योंकि काम तो अभी है नहीं, सारा काम मेरा हो चुका था, खाना वगैरह दूध वूध सब उसके बाद मैं ये कर रही थी। और बस अभी मैंने दोनों साइड से जो है ना काउंटर को कर दिया है क्लीन और देखें आप कितना चमचमा रहा है। तो बस अब फाइनल हमारी ये सिंक बचती है, इसको हम सबसे लास्ट में क्लीन करेंगे क्योंकि यहाँ पर बार बार वॉश होती हैं चीज़ें, बार बार इसका यूज़ होता है। तो जी बस यही था आज के लिए, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।